हेलो हेलो, सर यस सर मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर, आ रही है, आ यस रही है। सर आ रही अभी आ रही है। हेलो, हेलो, आ रही है सर, यस आवाज आ रही है। यस आ सर रही है भाई। आ रही सर आवाज आ रही है। आपको वीडियो दिखाई दे रही है? यस सर, आवाज आ रही है उसकी? आवाज वीडियो की आवाज नहीं आ रही सर। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है? यस सर, नहीं रुकी हुई है। आ रही है सर। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लो। बढ़ाना ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे तो हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हमें सही से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद वन ईयर का उसको भी समझेंगे दोबारा से, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहला न्यूमेरिकल है आपका, कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 मीटर टू रीड अ मीटर एंड सो इट एट टाइम। आपको एक ऐसा स्केल ग्रो करना है जब 1 मीटर आप उसमें ग्रो कर सको, मेजर करना है 37, यानी कि 2 30 + 7, यानी कि आपको 2 मीटर मेजर करना है, तो ये प्लेन स्केल हो गया। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है और 37 मीटर आपको मेजर करना है। ठीक है, एक सिंपल सा तरीका, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, लॉजिक लगाइए। अगर हमें 37 मीटर मेजर करना है तो हमारा स्केल जो है वो 37 से ज्यादा मेजर करने वाला स्केल होना चाहिए, या तो 37 या 37 से ज्यादा। तो राउंड ऑफ इसे कर लेते हैं 40 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमें शो करना है 37 मीटर। ठीक है, अब 40 करते हैं, 40 को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में स्केल की चेक करो। ठीक है, तो अगर हम 40 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको 3 से डिवाइड करना होगा तो पॉइंट में कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा कोई स्केल हमें ड्रॉ नहीं करना। अच्छा देखो, मैं खुद ही बोलता हूँ, ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको एक प्लेन स्केल ड्रॉ करना है। प्लेन स्केल का हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारा 37 मीटर बोल रहा है, तो 37 मतलब 30 + 7 मीटर, तो 2 यूनिट्स हैं। तो उसके लिए हमें प्लेन स्केल आपको एक ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो कितनी उसकी लेंथ होगी। तो 37 का अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो 40 मीटर हो जाता है मैक्सिमम लेंथ जो स्केल की निकालनी है। 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में कुछ आएगा। तो हम कुछ ऐसी वैल्यू राउंड ऑफ करनी है जिससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, तो एग्जैक्ट जो परफेक्टली डिविजिबल हो वैल्यू से। तो हम 37 को राउंड ऑफ 60 कर लेते हैं और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे स्केल के अकॉर्डिंग, तो हमें ये लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके है ना, क्योंकि 60 मीटर है तो उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं पॉइंटर का। ठीक है, 6 पार्ट को हमें डिवाइड कर लिया। आप बता सकते हो आप एक पार्ट जो है ये कितना शो कर रहा है, अगर आप सेंटीमीटर में देखोगे तो कितना शो कर रहा है और मीटर में देखोगे तो कितना शो कर रहा है। मीटर में आप देख लो 60 मीटर है टोटल, तो ये एक ब्लॉक आपका कितने का होगा, 10 मीटर का, जो 6 ब्लॉक। और आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्लॉक छोड़ के यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करनी है, 1 0 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट पार्ट को आपको 10 पार्ट से डिवाइड करना है, तो एक लाइन यहाँ पे कुछ कहते हैं लंबी लाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ज्यादा बड़ा हो गया, 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8 और ये 10 हो गए पार्ट। रख लिए थोड़ा समझ जाना। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, तो 10 पार्ट हो गए। अब ये 1 मीटर को अगर 10 पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो ये एक पार्ट 10 मीटर का है आपका, एक ब्लॉक उसको 10 में डिवाइड करोगे तो
कि एक ब्लॉक है, एक बार है, एक डिवीजन है, ये एक मीटर का हो गया। अब आपको शो करना है इसमें इस स्केल में 37 मीटर। तो आप देखो यहाँ से जीरो से चलो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ये तो हो गया 30 मीटर, ठीक है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ये 5 हो गया, 6, 7, तो ये हो गया आपका 37 मीटर। इस तरीके से हम प्लेन स्केल को ड्रॉ करते हैं, सेम एज डायगोनल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वर्नियर स्केल को कल क्योंकि हम बोर्ड यूज नहीं कर पाए थे और आज ये रिकॉर्डेड वीडियो है बोर्ड की वजह से, तो क्या करते हैं हम एक बार वर्नियर स्केल को और हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपका वर्नियर स्केल, ठीक है, इसको एक बार फटाफट समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। वर्नियर स्केल में क्या होता है, तीन टाइप के होते हैं आपका, डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड एंड डबल, ठीक है। आपका डायरेक्ट चल रहा था तो मैं एक शीट ले लेता हूँ प्लेन, उसमें हम शो करते हैं, इसी में शो कर लेते हैं, ठीक है, इस न्यूमेरिकल में शो कर लेते हैं कि कैसे हमारा वर्नियर स्केल चला। अब देखो आप, आपके पास एक स्केल है प्लेन स्केल, वर्नियर स्केल लास्ट क्लास में बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्केल, एक मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर स्केल मूव करता है जिससे मेन स्केल के भी एक सेक्शन पार्ट को मेजर करता है, ठीक है। इस स्केल का एक पार्ट है यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे आपका वन है, वन मीटर, ठीक है, ये 10 पार्ट में डिवाइड है, एक 10 पार्ट में डिवाइड है, ये है आपका 0 से 1 मीटर है, तो ये वाली लाइन कितनी होगी 0.5 मीटर, ठीक है, 6, 7, 8, 9 है। अब ये क्या कहता है कि जो वर्नियर स्केल है उसमें जो डिवीजन n है, वो एक वर्नियर स्केल है उसमें डिवीजन कितने हैं, n है, तो वो किसके बराबर है, इसके n माइनस 1 डिवीजन के, इसमें कितने डिवीजन है 10, 1, 2, 3, लेकिन वर्नियर स्केल जो है कलर चेंज कर लेते हैं, वर्नियर स्केल जो है इसके 9 डिवीजन के बराबर है, ठीक है, यानी कि अगर इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं n, तो इसमें इसी के इक्वल में कितने होंगे n माइनस 1, ठीक है, लेकिन इसमें डिवीजन जो है टोटल वो 10 है और इसमें 9 है, ठीक है, अगर n इक्वल टू 10 इसमें हम रखें तो इसमें क्या होगा 9। तो अगर मैं इसको, इसकी लेंथ आप बताओगे कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 0.9 मीटर। अच्छा ये मैं न्यूमेरिकल नहीं कर रहा हूँ, ये वर्नियर स्केल हम डिस्कस कर रहे हैं, 0.9 मीटर। और ये अगर इसको मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो एक ब्लॉक कितने का होगा 0.09, और इसमें एक ब्लॉक कितने का है 0.1, तो इसका मतलब ये इससे थोड़ा सा पीछे होगा, 0.09 कितना है ये 0.09 मीटर, ठीक है। और ये वाला रेड वाला कितना है, ये है 0.1, ठीक है। उसी तरह जो दूसरा बार होगा थोड़ा सा और गैप होगा, थोड़ा सा और गैप होगा, थोड़ा और गैप बढ़ता जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा इस तरह से, और लास्ट वाला कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो इनके इनके जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट का मतलब सबसे स्मॉलर डिवीजन कितना है 0.09 मीटर, इसका लीस्ट काउंट कितना है नीचे मेन स्केल का 0.1 मीटर। अब हमें बताने इस कॉम्बिनेशन ऑफ स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, तो आप देखोगे कि कलर चेंज कर लेते हैं, आप देखोगे ये जो गैप है फर्स्ट वाले में जो गैप है, ये गैप ये जो है आपका 0.1 माइनस 0.09 मीटर, यानी कि ये हो गया आपका 0.01 मीटर, ठीक है। ऊपर वाले में 0.09 है मीटर हम मेजर करके, नीचे वाले 0.1, लेकिन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट निकल गया 0.01 मीटर। और इसी तरीके से हम इस स्केल में रीडिंग को मेजर करते हैं। दूसरे ये वर्नियर स्केल है,
ये आपका मेन स्केल है, इन्हीं की कॉम्बिनेशन से हम क्या कहते हैं डिफ्रैक्शन पार्ट को निकालते हैं। अच्छा, अगर मैं लेंथ निकालूं इसकी, वर्नियर स्केल की लेंथ, अगर वर्नियर स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन n है तो मल्टीप्लाई बाय स्मॉलेस्ट डिवीजन b और इज इक्वल टू, अगर इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं मेन स्केल में, n माइनस 1, और स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है इसका, मान लेते हैं d। तो इससे हमें इक्वेशन मिल जाती है। और अगर हमें लीस्ट काउंट निकालना हो तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो वो क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन में है आपका, मेन में स्मॉलेस्ट है बी, और जो वन ईयर में वो स्मॉलेस्ट बी, दोनों को माइनस कर देंगे तो लीस्ट काउंट निकल जाएगा। इस इक्वेशन से डी की वैल्यू या बी की वैल्यू निकाल के पुट कर दोगे तो एलसी कैलकुलेट करने के बाद आता है डी बाय बी, ये आपका लीस्ट काउंट आ जाता है। तो ये है आपका वर्नियर स्केल। अब इसमें वर्नियर स्केल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसी तरह रेट्रोग्रेड, जब आप रेट्रोग्रेड में करोगे तो वहां पे क्या होगा, रेट्रोग्रेड में कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा हाइलाइटर लेते हैं, रेट्रोग्रेड में एक ज्यादा होगा, एन प्लस वन होगा, ठीक है। और सेम यही कैलकुलेशन होगी, इसी तरह से हम डिस्काउंट निकाल लेंगे। लेकिन नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है कि आपको एक डायगोनल स्केल ड्रॉ करना है, इसका स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 किलोमीटर, शो करना है उसको 47.6 किलोमीटर। तो देखो आपको 47.6 किलोमीटर उस डायगोनल स्केल पे दिखाना है। पहले तो समझ जाओ कि इसमें कितने यूनिट्स हैं, 40 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर प्लस 0.6 किलोमीटर, आपका ये तो प्लेन स्केल में जो हम दिखा सकते हैं, लेकिन 0.6 के लिए हम डायगोनल मैक्सिमम स्केल लेंथ बनाने के लिए 47 को 50 कर दोगे तो डिवाइड हो रहा, तो ऐसी वैल्यू राउंड अप करोगे 4 से परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर अगर हम इसे कर दें मैक्सिमम स्केल लेंथ के लिए, मेजर तो हमें 47 ही करना है, तो 60 किलोमीटर यानी कि इसको कन्वर्ट करेंगे इस स्केल से तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ दिस स्केल कितनी आ गई आपकी, 60 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हमें 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, एक ऐसे रेक्टेंगल बना लेना है, ये 15 सेंटीमीटर है, बट अगर किलोमीटर की बात करें इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब ये एक किलोमीटर और आपको 0 यहां से काउंट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इस स्केल पे आप इजीली 40 किलोमीटर शो कर दो, क्योंकि 10 किलोमीटर के ब्लॉक है तो 4 ब्लॉक्स को काउंट कर लो, 40 किलोमीटर मेजर कर सकते हो। और 47 कैसे करें उसके लिए आपको प्लेन स्केल बनाना होगा, पहले इसको इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना होता है, इसको हम है ना इतना ना करके इतना करते हैं, तो 10 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4, इसको डबल कर लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, रफली है, इक्वल पार्ट है, तो 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इसका जो एक पार्ट है, क्योंकि 10 किलोमीटर का एक ब्लॉक था, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये कितना होगा, 1 किलोमीटर, यानी कि आप कितना मेजर कर सकते हो, 47, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि यहां तक आपका कितना हो गया, ये 47, 10, 20, 30, 40, ये 47 किलोमीटर हो गया आपका। लेकिन 47.06 करना है तो कलर चेंज कर लेते हैं पॉइंटों का। तो क्या करेंगे हम, 7 के पार्ट वाले को मैं एक डायगोनली कट करता हूँ ऐसे, और इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं,
अगर आप इस ब्लू कलर के डायगोनली के अकॉर्डिंग चलें तो ये 7 के आगे जा रहा है ना, यहाँ पे कितना है 7 किलोमीटर, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते रहेंगे 7, 8, 9, 10 ऐसे 7.1, 7.2, 7.3 ऐसे जाता है, हमें कितना चाहिए 47.6, तो 47.6 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि यहाँ पे, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस आप मेजर करोगे तो ये क्या हो जाएगी 47.6 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं इसको रेज कर दूं, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको थोड़ा एनहेंस करके बताऊंगा इस वाले ब्लॉक को, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, अभी मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा है वो, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो बनाई, इनसे मार्कर आपको चलते हुए दिया है पॉइंट कर, ये जो ये वाला ब्लॉक जो है ना, इस वाले ब्लॉक को मैं थोड़ा एनहेंस कर रहा हूँ, ये ब्लॉक ये है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये 7 वाला, यहाँ पे ये है, यहाँ पे कितना है 7 किलोमीटर, और यहाँ पे कितना है आपका 8 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहां तक आपने मेजर कितना कर लिया था 47 किलोमीटर। अब आप 7 से आगे जाएंगे तो 7.1, 7.2, 7.9, 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स को हम कैसे पता करें, तो हमने एक डायगोनली लाइन खींची यहाँ पे और इसको 10 पार्ट से डिवाइड कर दिया। ये जो पहला पार्ट है ये 7.1 है, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 6, 7, 8, 9 और ये ऊपर वाला 10, यहाँ पे 8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 0.6। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है 0.6, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 47.6 किलोमीटर। तो ये है हमारा डायगोनल स्केल, इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आपका स्ट्रेंथ ऑफ स्केल था, इससे पहले आपका था एरर ड्यू टू रॉन्ग स्केल, तो इजी है, इसके न्यूमेरिकल भी हम करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो स्केल खत्म होने के बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सोर्स ऑफ एरर। अब एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी मैं बोलूँ सर्वेइंग तो समझ लो कोई मेजरमेंट आप कर रहे हो। ठीक है, तो जब मेजरमेंट आप कर रहे हो तो उसमें एरर तो आएंगे, तो एरर के सोर्सेज क्या है, वो तीन तरह के सोर्सेज है आपके एरर के। एक है आपका इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंटल सोर्सेज में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट का इनपरफेक्शन या कोई फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट है या उसकी जो एडजस्टमेंट है वो ठीक से नहीं हुई है, तब एक एरर आता है। ठीक है, सेकंड एरर पर्सनल एरर, पर्सनल एरर का मतलब है कि जो ऑब्जर्वर है, जो आपका सर्वेयर है, जो मेजरमेंट कर रहा है, वो इनएक्सपीरियंस है। ठीक है, या फिर उससे रीडिंग देखने में कुछ गलती हो रही है। ठीक है, तो वो क्या उस टाइप के क्या हो गया आपके पर्सनल एरर हो गए। और एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट एरर का आप ये देख लीजिए कि कोई टेप है जिससे आपको कई सालों से काम चल रहा है, तो क्या हुआ उसकी टेप की लेंथ स्ट्रेच होकर 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो अब इंस्ट्रूमेंट उससे टेप से जो भी चीज मेजर करोगे उसमें 1 सेंटीमीटर का एरर आएगा, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। और पर्सनल एरर का एग्जाम्पल हो गया कि जब जैसे वर्नियर स्केल में थोड़ा सा रीडिंग देखना बड़ा टफ होता है, तो कोई वर्नियर स्केल में रीडिंग देख रहा है उसको आई साइट की वजह से कुछ उसने गलत देख लिया, कुछ नंबर गलत पढ़ लिया, सब क्या होता है पर्सनल एरर। इसके बाद आता है आपका नेचुरल एरर। तो ये नेचुरल एरर का मतलब है कि किसी टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर कंडीशन की वजह से कोई एरर आ रहा है। टेम्परेचर की वजह से जो भी आपके स्टील की चीजें वो स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, या विंड की वजह से आपकी कोई चीज हिल सकती है। ठीक है, या ह्यूमिडिटी की वजह से, या फिर आपका मैग्नेटिक की वजह से आपका मैग्नेटिक डिटेरियरेशन हो सकता है आपके कंपास में। ये सब क्या नेचुरल एरर है। तीन टाइप के सोर्सेज हैं आपके। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एरर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है काइंड्स ऑफ एरर। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं एरर के। तो फर्स्ट एरर है आपका मिस्टेक। मिस्टेक होती है, मिस्टेक को आप कह सकते हो एक तरीके से पर्सनल एरर। मिस्टेक का मतलब है कि जो ऑब्जर्वर है, जो सर्वेयर है, वो केयरलेस है, इनएक्सपीरियंस है। ठीक है, या वो कंफ्यूज है, या पुअर उसका जजमेंट है। तो इस टाइप के जो एरर होते हैं उनको बोलते हैं मिस्टेक्स। ठीक है, उसके बाद आता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर वो एरर होते हैं जो जिनकी फ्रिक्वेंसी और साइज सेम होता है, हर बार वही एक ही एरर होता जाता है, एक ही एरर होता जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंस्ट्रूमेंट एरर को आप कह सकते हैं सिस्टमेटिक एरर।
जैसे कि आपकी कोई टेप है 10 मीटर की टेप है, ठीक है, उसमें 1 सेंटीमीटर का स्ट्रेच हो गई टेम्परेचर की वजह से, तो वो कितनी होगी उसकी लेंथ 10.01 मीटर। अब जब भी आप कोई भी मेजरमेंट करेंगे 0.01 मीटर का उसमें एरर आता रहेगा, वो एड अप होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। इन दोनों एरर को रिमूव कर दें, सॉल्व भी कर दें, तो एक एरर हमारा हमेशा रह जाता है, वो है एक्सीडेंटल एरर, जो जिसको जो हमारे हाथ में नहीं होता, जिसको कि हम कैसे हटाएं, ठीक है। तो एक्सीडेंटल एरर ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली आपका आपका लेग लग गया इंस्ट्रूमेंट में, या आप करके करते किसी और ने हाथ मार दिया, कुछ ऐसा जो एक ही बार हुआ है और एक्सीडेंटली हो गया, उसकी वजह से आपका एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के एरर्स आते हैं, मेन जो आपका एक्सीडेंटली एरर है। एक्सीडेंटल एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते, बट हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज करके हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, कि बेस्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं और मैक्सिमम एरर की रेंज हम निकाल सकते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम यूज करते हैं। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के कहती क्या है कि एक तो जो एक्सीडेंटल एरर है ना, एक फीचर है कि एक डेफिनेट लॉ को फॉलो करता है प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। उसके फीचर्स क्या है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कर्व है आपका थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की कर्व है, यहाँ साइज ऑफ एरर है और ये नंबर ऑफ एरर है, नंबर ऑफ एरर। तो इसकी क्या एक फीचर्स है कि यहाँ पे आपका जीरो एरर है, कि अगर यहाँ पे आपका प्लस वन एरर है रीडिंग में और यहाँ माइनस वन एरर है, तो एक तो प्रोबेबिलिटी दोनों की है ना 50-50 है, प्लस वन की और वन माइनस वन की। सेकेंड है कि जो छोटे एरर उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर आप छोटे एरर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एरर बढ़ रहा है। मान लो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ एरर यहाँ पे आपका है 10, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 30 एरर, यहाँ पे है 40 एरर, तो पॉइंट माइनस वन के आने के चांस कितने है 40, लेकिन माइनस सिक्स आने के एरर के चांस कितने 10। तो जो छोटे एरर उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा आते हैं, और जो बड़े एरर उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, ठीक है। छोटे मोटे एरर पता नहीं चलते और हमेशा हमें उनको हम रिमूव भी कर पाते, ध्यान भी रहता, तो बार बार आएंगे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, कि बड़ा एरर एकदम से हमारी नजरों में आ जाता है, एकदम से हम उसे पता कर लेते हैं इतना बड़ा एरर है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी अभी भी कम हो जाएगी। तो ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। जो लार्ज एरर है वो इनफ्रीक्वेंट होते हैं, और इनकॉपेबल होते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव एरर होते हैं इनका साइज सेम होता है, अगर नेगेटिव सिक्स है तो नेगेटिव पॉजिटिव सिक्स एरर आने के चांस है, और ये जो है मोर फ्रीक्वेंट होते हैं आपके स्मॉल एरर। तो ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है। एक्सीडेंटल एरर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकाले, मान लो आपने 10 रीडिंग ली, 10 में से बेस्ट रीडिंग कौन सी है, सबसे कम एरर है, और मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है और मिनिमम कितना एरर हमें लेना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल एरर, मोस्ट प्रोबेबल रीडिंग। तो ये कैसे हम कैलकुलेट करें, इसको हम नेक्स्ट क्लास में, हम मंडे की क्लास में इसको हम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू एनालाइज ऑफ एक्सीडेंटल एरिया। ये हम आज के लिए यहीं तक, आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप प्रैक्टिस करना, एक तो प्लेन स्केल ड्रॉ करने के लिए, डायगनल स्केल ड्रॉ करने के लिए, और अगर आप कहेंगे आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो वर्नियर स्केल को दोबारा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ।